और दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और राजधानी दिल्ली नए संकट की ओर बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है और इसके संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि दिल्ली में पिछले कई महीनों से किसी भी आईएएस अफसर की पोस्टिंग नहीं हो रही है और उपराज्यपाल गृह मंत्रालय को बिना किसी कारण के बार बार दिल्ली सरकार को लेकर पत्र लिख रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि लोग राष्ट्रपति शासन का शिगुफा छोड़ रहे हैं क्योंकि पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो चुकी है। क्या दिल्ली में लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? आपने मुद्दा उठाया, नेताओं को डर सताया। खतरे में केजरीवाल सरकार, सियासत जोरदार। दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को आए दिन झटके लग रहे हैं। सीएम पहले ही जेल में बंद हैं और पार्टी के अंदर बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने नया दावा किया है। पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है। आपका कहना है कि दिल्ली में अधिकारियों का अपॉइंटमेंट रुक गया है, कई पोस्ट खाली रखी गई हैं और जिस तरह से एलजी रोज रोज चिट्ठियां लिख रहे हैं, इससे आशंका हो रही है कि अब केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाकर दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। एलजी साहब पिछले एक हफ्ते से एमएचए को बार बार बिना किसी कारण के दिल्ली सरकार को लेके चिट्ठियां लिख रहे हैं, तो ये सारे लक्षण दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है। हर बात में संवैधानिक संकट की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा, इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं सकती, इसलिए सरकार गिराने का नया नया हथकंडा अपना रही है। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र नहीं बल्कि खुद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाए। दिल्ली चुनी हुई सरकार का सम्मान करती है, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है और आम आदमी पार्टी को सरकार चलानी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि किसी तरीके राष्ट्रपति राज लग जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री जेल में है, वो जेल में मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, जो कि असंभव है। इसलिए जब से संजय सिंह जी जेल से बाहर से आए हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी का जो अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना था, वो चूर चूर हो गया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि किसी तरीके संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए और दिल्ली में राष्ट्रपति राज लग जाए। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है। बीजेपी ही नहीं, दो दिन पहले केजरीवाल सरकार से इस्तीफा देने वाले राजकुमार आनंद भी दावा कर रहे हैं कि सीएम के जेल जाने के बाद अब नैतिक रूप से आम आदमी पार्टी को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, ये कानून के मुताबिक होगा। किसी पार्टी में अभी तक मैं ना गया हूँ ना सोचा हूँ, लेकिन हाँ, मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सिपाही हूँ। अपने समाज जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं अपने समाज के लोगों से लगातार डिस्कशन में हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। अगर वो कहेंगे किसी पार्टी में जाने की ज्वाइन करिए तो मैं जाऊँगा, नहीं कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, जो कानून सम्मत होगा
जो कानून गवाही जिस काम की देता होगा वैसा काम होगा। इस सियासी उठापटक के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या सचमुच दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की गुंजाइश है, ये कैसे मुमकिन है और इसका क्या आधार है। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई है। अगर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती तो आम आदमी पार्टी का डर सही साबित हो सकता है। एलजी को अधिकार है कि वो दिल्ली की सरकार बर्खास्त कर सकते हैं। सरकार बर्खास्तगी की वजह सीएम को जेल में होना बताया जा सकता है। अगर एलजी को लगेगा कि सीएम के जेल में रहने की वजह से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है तो वो सरकार बर्खास्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं। दिल्ली में आर्टिकल 339 एबी के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, यानी केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो दिल्ली में आगे क्या होगा ये सब कुछ उपराज्यपाल पर ही निर्भर करता है। हालांकि अगर एलजी राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास अदालत में जाने का विकल्प खुला है। उसकी दो वजह है। पहला ये कि जेल जाने के बावजूद केजरीवाल पर इस्तीफा देने के लिए कानूनी दबाव नहीं है। दूसरी वजह ये है कि दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में है। इसके बाद भी अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आपके आरोपों का आधार क्या है और आखिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन वाली साजिश का सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिलहाल कम होती नहीं दिख रही हैं।